IPL 2017 में आज हम बात करेंगे वीर और जारा की। जब ये फिल्म आई थी तो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त रोमांस करते हुए नजर आए थे, लेकिन जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर इन दोनों की टीमें आमने सामने आईं, तो वहां पर सिर्फ एक्शन ही एक्शन नजर आया। इस मुकाबले में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर KKR ने अपना शानदार प्रदर्शन का रिकॉर्ड जारी रखा। यहां उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए ये 11वीं जीत दर्ज की। रन चेज करते हुए कोलकाता की टीम आखिरी बार ईडन गार्डन्स में 2012 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हारी थी। कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में पावर प्ले के अंदर 76 रन बनाए और ये उनका IPL में पावर प्ले में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। इससे पहले कोलकाता का पावर प्ले के अंदर सबसे बढ़िया स्कोर 73 रन का था। इस सीजन का पहला मैच खेल रहे उमेश यादव ने अपने पहले ही मैच में मात्र 33 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और ये इस सीजन में किसी भी गेंदबाज द्वारा किया गया सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए IPL में अपना 33वां अर्धशतक बनाया और इसके साथ ही वो डेविड वार्नर की बराबरी कर IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL में ये लगातार 8वीं जीत थी और इसके साथ ही उन्होंने IPL में किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सर्वाधिक मुकाबले जीतने के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बराबरी कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। IPL के अगले मुकाबले के साथ फिर होगी मुलाकात।